हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लोधी वंश के विषय में। इसके शासनकाल की बात करें तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और इसकी स्थापना जो है वो बहलोल लोधी के द्वारा किया जाता है। बहलोल लोधी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहलोल शाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठता है और दिल्ली से शासन करता है। और इतना ही नहीं, इसने बहलोल सिक्का का भी प्रचलन किया था। साथ में फ्रेंड्स, ये इसके दरबार में जब कभी भी इनके सरदार जो है वो खड़े होते थे तो ये भी खड़ा हो जाता था और उनका अभिवादन करता था। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसका अगला जो शासक है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसका पुत्र जो है इस वंश का अगला शासक होता है, जो सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है और सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध होता है। 1504 ईस्वी में यह आगरा शहर का निर्माण करता है और 1506 ईस्वी में इसकी राजधानी बना लेता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये कृषि के विकास के लिए और भूमि के माप के लिए गज या सिकंदरी नामक व्यवस्था को चलाता है। साथ में ये गुलरुफी उपनाम से फारसी कविता का अनुवाद भी सॉरी फारसी कविता का लेखन भी करता है और शीर्षक का नाम रहता है गुलरुखी। तो इसके साथ में इसके कुछ और कार्य को देखें फ्रेंड्स, तो ये जो है वो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके इसके टुकड़ों को कसाईयों को दे देता है ताकि वो इसके टुकड़े की सहायता से मांस को तौल सके। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये मुसलमान स्त्रियों को और साथ में मुसलमानों को तजिया निकालने से, मुसलमान स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने से भी प्रतिबंध लगा देता है। अंततः इसके गले की बीमारी के कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका पुत्र जो है वो इब्राहिम लोधी सिंहासन पर बैठता है। लेकिन इब्राहिम लोधी के समय ही बाबर का भारत में अभियान हो जाता है और इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाती है। देखिए, इस वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोधी ही होता है और फाइनली जो है इसी के समय बाबर का अभियान होता है भारत में और 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हो जाता है दोनों के बीच में, और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और भारत में एक नए वंश का स्थापना हो जाता है जो मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि युद्ध भूमि में मरने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो कोई और नहीं इब्राहिम लोधी ही था। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बाबर जो है वो किसके निमंत्रण के फलस्वरूप भारत आया था, तो बाबर को पंजाब के शासक दौलत खां बुलाया था और साथ में इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था और इसके तोप का प्रयोग करने वाले उस्ताद अली और साथ में उस्ताद मुस्तफ़ा थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।